मंझौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित शताब्दी मैदान में जय मंगला क्रिकेट क्लब मंझौल के द्वारा शहीद अमरीश स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रविवार को हुआ। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला परिषद प्रतिनिधि रमण कुमार, मंझौल पंचायत 2 के मुखिया विकेश कुमार एवं मंझौल पंचायत 3 के मुखिया प्रतिनिधि सुरेश साहनी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर रमण कुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, खेल एक पटल है जो अनुशासन के साथ बच्चों के चरित्र निर्माण में सहयोग करता है, इसलिए यहां से सीखने का जरूरत है। वहीं मुखिया विकेश कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, खेल एक सिक्के के दो पहलू हैं। हारने वाली टीम को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत का स्वाद मीठा होता है। उद्घाटन मैच जेएमसीसी मंझौल बनाम वीरपुर की टीम के बीच खेला गया। वीरपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 166 रन बनाए, जबकि जवाब में उत्तरी मंझौल की टीम ने अभिषेक कुमार उर्फ डीसी के धुआंधार 87 रनों की बदौलत 5 विकेट से मैच को जीत लिया। मैच में अभिषेक, अजय एवं रविरंजन उर्फ लक्ष्मण निर्णायक भूमिका में रहे। मौके पर मंझौल के ऐतिहासिक शताब्दी मैदान में क्रिकेट मैच का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।